मोदी सरकार लगातार जनता के सामने बेनकाब होती जा रही है। हर एक मुद्दे के बाद एक मुद्दा लाकर वो चाहती है किसी तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा दी जाए। इस अब की बार 400 पार, आपने सुना होगा नारा, ये सब है हवा बयार। अगर 400 पार की बात सच होती तो उनको क्या जरूरत था ये लाने का, जब राम मंदिर जैसा उनका मुद्दा इतना प्रभावी था, लोगों के दिल में बसा हुआ था। ये आस्था के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, देवता के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, आम जनता को ये क्या छोड़ेंगे। और रोड पर आ गए, क्यों शाहीन बाग में अलर्ट जारी किया गया, क्यों सेना उतारने लगते हैं, क्यों जो है बिहार में अलर्ट जारी किया जाता है, आप सोचिए ना। वो ध्रुवीकरण वो चाहते हैं, हम लोग तो सबके मिल्लत की बात करते हैं। जो विपक्ष के लोग हैं वो इसी बात को तो आधार बनाकर एक साथ एकजुट हुए हैं। उनकी एकजुटता का नाम भी इंडिया है, जो नाम लेने में उनको शर्म आते हैं। हर कीमत पे सिर्फ और सिर्फ उनको हराना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश को बेचना चाहते हैं। 24 में क्या होगा, 400 पार या फिर? मैंने कहा ना, ये है हवा बयार, हवा बयार से ज्यादा कुछ नहीं है 400 पार। और नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पर, मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना और मोदी सरकार ने एक बार फिर से सीए कानून को पूरे देश में लागू कर दिया है। ऐसे में पूरा हो हल्ला हो रहा है पूरे भारत में। कांग्रेस भी इसमें अछूती नहीं है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति मोदी सरकार कर रही है। ऐसे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष, पटना साहिब विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और बिहार के कद्दावर नेता प्रवीण कुशवाहा। आइए उनसे बात करते हैं इस मुद्दे पे, वो क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है। सर, सबसे पहले स्वागत है, धन्यवाद आपको। मोदी सरकार ने सीए कानून को लागू कर दिया है पूरे भारत में, क्या कहेंगे इस पर? मोदी सरकार लगातार जनता के सामने बेनकाब होती जा रही है। हर एक मुद्दे के बाद एक मुद्दा लाकर वो चाहती है किसी तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा दी जाए। लेकिन क्या ऐसा संभव है? भारत जैसे देश में जहां विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, मिल्लत की बात करते हैं, हर समय इत्तेहाद की बात करते हैं, तो समाज में एकजुटता की बात करते हैं और विभिन्न विचारधारा के लोग एक साथ रहते हैं, ऐसे में ये कितना ही कोशिश कर लें, उनकी राजनीतिक दाल गल नहीं रही है, गल नहीं सकती है, जिसकी वजह से वो लगातार इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। 4 साल पहले वही लाते हैं इस कानून को, वही फिर बैकफुट पे चले जाते हैं। 4 साल में ऐसा क्या था जो उनको वापस लेना पड़ा, आप थोड़ा सोचिए। तो सरकार का कहना है कि 2019 के मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में हमने कह दिया था कि हम आएंगे तो सीए एनआरसी लागू करेंगे, और सीए हमने लाया, इसमें गलत ही क्या है, दिक्कत ही क्या है लोगों को? इस अब की बार 400 पार, आपने सुना होगा नारा, ये सब है हवा बयार। अगर 400 पार की बात सच होती तो उनको क्या जरूरत था ये लाने का, जब राम मंदिर जैसा उनका मुद्दा इतना प्रभावी था, लोगों के दिल में बसा हुआ था। ये आस्था के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, देवता के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, आम जनता को ये क्या छोड़ेंगे। किसानों की हालत को देखिए, बेरोजगारों की हालत को, नौजवानों की हालत को देखिए, जवानों को जिस तरह से 4 साल के लिए अग्निवीर चलाकर जो है नौकरी में झोंक रहे हैं, 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, इन लोगों को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये हथकंडे की राजनीति करते हैं और इनका हथकंडा सिर्फ और सिर्फ एक उपयोग में आता है कि किस तरह से अदानी और अंबानी के पैसे को बढ़ाया जाए, उनके बढ़ते हुए पैसे को ये बताते हैं कि हमारे यहाँ हमारा रुपया जो है बढ़ता जा रहा है। आप बताइए, रुपये की कीमत और डॉलर की कीमत में क्या अंतर आया? जब से मोदी सरकार आए, रुपये की कीमत बढ़ी घटी, क्या हुआ? ये जनता देख रही है कि किस तरह से वो आंखों में धूल झोंकते हैं। आज कर्ज देश का बढ़ रहा है या घट रहा है? घटता जा रहा है। कोई एक ऐसा काम जो जनता के हित में हुआ, वो खुद कहते हैं 80 करोड़ लोगों को वो आश्रित बना चुके हैं। क्या 80 करोड़ लोगों को देश में अपने जीवन स्तर को उठाने का जरूरत नहीं है? क्या उनके लिए अच्छे स्कूल में उनके बाल बच्चे पढ़े ये जरूरत नहीं है? उनको अच्छी शिक्षा मिले ये उसकी जरूरत नहीं है? केवल अन्न उसको मिल जाए, पेट भर जाए, उससे उनका काम चल जाता है क्या? सीए में पूरे देश में भी चर्चा हो रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है आपको कि मोदी सरकार की नून लाया है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जो पहले से जो लोग रह रहे हैं वो रहेंगे, जो भी मुसलमान भाई जान वो लोग रहेंगे, बाहर के जो लोग हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, उनको नागरिकता देने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं मुसलमान या अल्पसंख्यक समुदाय को बगलाने की तो बात नहीं चल रही ना विरोधियों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा? ये विरोधियों के द्वारा बरगलाने की बात नहीं चल रही है, ये विरोधियों को बरगलाने की बात चल रही है।
उन्होंने सोचा ऐसा ही था कि जैसे पहले लोग उमड़ पड़े और रोड पर आ गए, क्यों शाहीनबाग में अलर्ट जारी किया गया, क्यों सेना उतारने लगते हैं, क्यों जो है बिहार में अलर्ट जारी किया जाता है, आप सोचिए ना। वो ध्रुवीकरण वो चाहते हैं, हम लोग तो सबके मिल्लत की बात करते हैं। जो विपक्ष के लोग हैं वो इसी बात को तो आधार बनाकर एक साथ एकजुट हुए हैं, उनकी एकजुटता का नाम भी इंडिया है। जो नाम लेने में उनको शर्म आती है, उनकी जुबान लड़खड़ाती है, उनको डर लगता है, भयाक्रांत है वो। जब बात हो रही है एकजुटता की सर, तो उसमें तो पलीता लग गया कहीं ना कहीं। नीतीश कुमार हट गए, ममता बनर्जी वो कह रही है पूरी 42 सीटों पे हम अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस को एक सीट भी नहीं देंगे, अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को काफी कम सीट दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं। दूसरी ओर एनडीए का कुंबा बढ़ता चला जा रहा है, जेडीएस जैसी पार्टी उड़ीसा में आ गई, टीडीपी आने जा रही है, नीतीश कुमार आ गए हैं बीजेपी में। अच्छा, हरियाणा का आज क्या हुआ समाचार आपने देखा नहीं होगा। ये राजनीति वो अपने हिसाब से चल रहे थे, लेकिन उनको भी कांग्रेस के हिसाब से चलने पर बेबस मजबूर होना पड़ा। वो भी अपने अलायंस पार्टनर को छोड़ के और दूसरे रास्ते भेज रहे हैं। ये उनके मिली जुले षड्यंत्र का उदाहरण है और ये वो कर रहे हैं। और हम लोग तो हर हाल में हर कीमत पे सिर्फ और सिर्फ उनको हराना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश को बेचना चाहते हैं। 24 में क्या होगा, 400 पार या फिर? मैंने कहा ना, ये है हवा विहार, हवा विहार से ज्यादा कुछ नहीं है 400 पार। ये थे हमारे साथ बिहार कांग्रेस के कद्दावर नेता, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे इस बार 400 पार नहीं हवा बहार है, यानी कि 400 का आंकड़ा बीजेपी एनडीए पार्टी नहीं छू पाएगी और कांग्रेस सत्ता में आने जा रही है 2024 में। और उन्होंने साफ कहा सीएए कानून लाने से बरगलाने की बातें हो रही है और ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है, जो कि जनता नकार रही है 2024 के आम चुनाव में। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है, सत्ता के शिखर पे कौन पहुंचते हैं। बने रहे शौर्य भारत न्यूज के साथ, मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक प्रयास है UC Maths। UC Maths बच्चों के बेसिक स्किल्स को शार्पन करने में काम कर रहा है। UC Maths is a Abacus based whole brain development program जो 5 से 13 साल के बच्चों के लिए है। Our first branch is Kids Temple School, Kachori Gali, Patna City and second branch is Manoranjan Panchayat Bhavan, Charital, Pachim Darwaja, Patna City and our contact number is 7903433032। एक अटूट विश्वास शुद्धता का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का, जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।